परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे। परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती है। परिवार की जिम्मेदारी लो, मेरा परिवार, जैसे मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था और उस वक्त काम करते हुए कोरोना की आपत्ति आई थी, तो मैंने एक संकल्पना दी थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो सिर्फ मेरा परिवार, मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है, तो परिवारवाद अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आया है। सर, बीजेपी ने ट्वीट किया कि वहाँ पे जो रामलीला मैदान में रैली होगी वहाँ पे ठगों का जमावड़ा है, तो मैंने अभी कहा ना, ये तो भ्रष्टों का पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी, सारे जितने भ्रष्ट है वो साथ ले रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल के एक समय में गुरु अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल के गुरु एक समय में अन्ना हजारे थे इसी रामलीला मैदान के अंदर, और इसी रामलीला मैदान में अब जो उनके गुरु हैं वो लालू यादव हैं। आपको वो कह रहे हैं कि जितने करप्ट लोग हैं, जितने करप्ट नेता हैं, वो सब एक मंच पे आज एकत्रित हुए। तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने जितने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, कल परसों ही सीबीआई ने फाइल क्लोज किया, प्रफुल्ल पटेल, आरोप किसने लगाए थे? 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, आरोप किसने लगाया था? आदर्श का घोटाला, आरोप किसने लगाया था? शरद रेड्डी, आरोप किसने लगाया था? और अभी कर्नाटका में वो गए माइन वाले ना, जनार्दन रेड्डी, आरोप किसने लगाए थे? नवीन जिंदल के ऊपर आरोप किसने लगाए थे? तो सब ये मैं कहता हूँ कि भ्रष्ट जनता पार्टी है। तो जनता जो है, भारत की जनता, वो अलग है, और ये जो है भ्रष्ट जनता, और सब परिवारवाद जो कहते हैं, तो इनको भ्रष्ट परिवार जो है वो चलता है। सर, तो परिवार के बाद अगर परिवारवाद की अगर बात करें, तो आप कहो, देखो ना, जितने सारे परिवार हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट है, उनके पास चले गए, तो पूरा का पूरा भ्रष्ट परिवार हो गया जनता।